राजा भैया आएंगे, ओ राजा भैया आएंगे, राजा भैया, राजा भैया। गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 24th October और आज है अहोई व्रत, तो आज मैं उसी का आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। छोटा सा ब्लॉग होगा, क्यूट सा ब्लॉग होगा। और ये जो फास्ट है, इस फास्ट को रखते हैं अपने बच्चों के लिए, ज्यादातर आई थिंक लोग बेटों के लिए रखते हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्यूटीफुल होने वाला है, सिंपल और शॉर्ट होगा। तो आप लोग डेफिनेटली मेरा ब्लॉग कंप्लीट देखना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको स्टार्टिंग मिनी मिनी बता देती हूँ। सबसे पहले कि मैंने को नहा धो लिया है अच्छे से, अब बस मुझे तैयार होना है, एक मेकअप लुक मैं शूट करूंगी विच इज गोइंग टू बी फॉर दिवाली स्पेशली। और ऑफ कोर्स यही लुक हमारा जो है वो व्रत में भी चल जाएगा। तो मैं आज साड़ी पहनने वाली हूँ, पिंक कलर की सिंपल सी और ब्यूटीफुल साड़ी है। मैं और मम्मी दोनों ही व्रत साथ में रखते हैं, तो देखते हैं वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं। मैं त्रिशिका को भी जाकर देखती हूँ और त्रिशिका को मैं ऑप्शन भी देने वाली हूँ कपड़ों के। चलो देखते हैं ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं। त्रिशिका और मम्मा को मैं अंदर ही छोड़ के आई हूँ, देखते हैं क्या कर रही हूँ। ओ माई गॉड, ये लोग लेटे हुए हैं अभी तक। ये इंसान नहा लिए हैं पर ये इंसान नहीं नहाया है अभी तक। और ये देखो आज इसके लिए व्रत रखा है अपने छोटे बेबी के लिए। हेलो हेलो, इन्होंने अपने छोटे बेबीज के लिए रखा है, तीन से बेबी के, इनके दो तीन से बेबीज, ठीक है। और ये त्रिशिका के लिए मैं गिफ्ट लाई थी और ये मैंने त्रिशिका को गिफ्ट दिया है। निकला पोस्ट क्लास में से, अरे नहीं, ये पहले के सारे गिफ्ट के स्क्रैपर में रखे हुए हैं, फैला देते हैं यहाँ, तो इसमें तो डाल रखे हमने। ओ माय गॉड, क्या हो गया? चलो त्रिशिका को मिला देते हैं ना। नहीं नहीं करेगा हमारा बच्चा। और त्रिशिका के मैं आउटफिट्स आपको दिखाती हूँ। तो गाइस हमने त्रिशिका के लिए, ये देखो जमाई ले रही है, हमने त्रिशिका के लिए ये आउटफिट्स डिसाइड करे हैं। आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। त्रिशिका बताइए, त्रिशिका बताओ क्या पहनना है आपको। एक ये वाला है, ये ब्लू कलर का फ्रॉक है, ये वाला दिखाओ हम, येलो कलर का है, ठीक है। और एक ये रेड कलर का, ओ उसने ये पहना, ये बोला ये कौन सा पहनना है त्रिशिका को? रुक दो, देखो कौन सा पहनेगा, कौन सा पहनेगा, कौन सा पहनेगा, अकड़ पकड़ करो, कौन सा अकड़ पकड़ बंदे, वो कौन सा पहनेगा, पहनेगा, कौन सा पहनेगा, ओ उठाओ उठाओ ये वाला, ये वाला येलो वाला। ओके, तो ये वाला डिसाइड हो गया है, येलो वाला फ्रॉक त्रिशिका भी पहनेगी, ठीक है। तो क्या पहनेगी त्रिशिका शाम को? तो वो फ्रॉक पहनेगी जब हम तारा पूजने जाएंगे, और अभी वो ये कुर्ता पजामा पहनेगी नहा के, ठीक है। चलो ये कुर्ता पजामा त्रिशिका ने अपने जन्मदिन में पहना था ना, और अब पहन रही है वही पे। तो क्या पहनेगा मेरे छुट्टी, मेरे छुट्टन का क्या पहनेगा? वो फ्रॉक हम थोड़ी देर के लिए पहनाएंगे उसको रात को जब तारा पूजने जाएंगे, अभी इसको ये मस्त सॉफ्ट कॉटन का पहनेंगे ताकि कंफर्टेबल रहे। ये देखो अपने डायपर से खेल रही है, हाथ में डाल लिया अपने डायपर, नीचे ज्यादा हो गया ना, घूमी 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 घूमी, फड़े होते फड़े, ओ शाश, मतलब शेर वैसे होता है, सीख तरह में शेर। और रुको रुको, नाड़ा किधर गया नाड़ा, अरे ओ नंदू शक्का बंदू, इधर नाड़ा, ओ नंदू शक्का बंदू, शक्का बंदू, ए ए ए राजा भैया आएंगे, ओ राजा भैया आएंगे, ओ राजा भैया, राजा भैया, ओ मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा राजा, ये कौन करेगा? पहले कुर्ता पहनाओ ना, किसका कुत्ता कुत्ता, हाय राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, घूमी कौन जाएगा, राजा भैया घूमी जाएंगे अभी, छतरी लाते हम, छतरी, राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया घूमी घूमी जा, बोलो मेरे को राजा भैया घूमी जाएगा, कितना सुंदर मेरा राजा भैया, ओ राजा भैया तुम यहाँ पहन लेता है ना मेरा बबलू, इधर 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 इधर, डालो 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 डालो, राजा भैया हटा, राजा भैया इधर इधर है, राजा भैया, ओ माय गॉड, राजा भैया, ओ राजा भैया, हाँ थोड़ी सी कोशिश करो राजा भैया, कोशिश करो, हाँ हाँ कोशिश करो, ओहो तो ऊपर करो, ओहो राजा भैया हमारा हम कबू बंद करिए, राजा भैया, राजा भैया मुझे फोटो की तरफ देखिए, ओ माय गॉड, ये हाय कर दो, तुझे हाय कर दो, हाय हाय, अरे मिस बाल भी जाना, जूते जूते कहां, हमारे जूते कहां, जूतन बाल लेके आ रही हूं, हां ला रही हूं, जल्दी लाओ हमारे जूते, ला रही ला रही हूं, आ दे जल्दी गए हमारे जूते, हमको देर हो रही भैया, हो गए तैयार आप, चलो बाय बाय, हम जा रहे हैं, चलो बाय, सी यू बाय, नहीं तो पिछवाड़ी नहीं आ रही है, इट्स लिटिल अंधेरा, ओके ओके बाय बाय। सो गाइस तब तक मम्मी उसको ऊपर ले गई है त्रिशिका को घुमाने के लिए, जब तक मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे अपना चूड़ी वूड़ी पहन लेती हूँ। मेकअप मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी अपना पहले ही, इस मेकअप लुक का मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगी, डेफिनेटली आप लोग देखना जरूर। और मैंने यहाँ पे अपनी साड़ी से मैच करने के लिए, यू नो कंट्रास्ट में, मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ ली हैं, पिंक कलर की साड़ी है तो ग्रीन कलर की चूड़ी और ज्वेलरीज में वेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मम्मी को मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तैयार कर देती हूँ, मैं नीचे आ गई थी, उन्होंने अपना साड़ी वाड़ी पहना, तो मैंने हल्का हल्का सा मम्मी को कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, उनकी आईब्रोज फिल की थी, लिपस्टिक लगाया, और उसके बाद मैंने मम्मी का एज इट इज जूड़ा बनाया है जैसे कि मैंने उनका करवा चौथ पर बनाया था।
तो करवा चौथ पर भी मैंने सेम इसी तरह से बनाया था। पोनीटेल बनानी है, बन लगाना है, जो फॉल्स बन होता है हमारे पास तो उसके ऊपर अपने बालों को फैलाना है, बालों को लेना है, ट्विस्ट करना है दोनों तरफ से बॉबी पिन से या जूड़ा पिन से, आप उसको सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है अपना फॉल्स गजरा, नकली गजरा जो होता है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने अपना ऑलरेडी बना रखा है पहले से ही, और मैंने मम्मी का भी सेम बना दिया था। कुछ चीज़ें अगर प्लान करके रखो ना तो एक्चुअली वो वर्क करती है, तो उसी तरह से हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्लान करके रखी हुई थी, जैसे कि हमें क्या पहनना है, किस तरह से हमें हेयर स्टाइल रखना है, किस तरह से ज्वेलरीज वगैरह पहननी है, तो वो सब चीज़ें हमारी ऑलरेडी प्लान थी, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। ओके, उसके बाद मम्मी को तैयार करने के बाद मम्मी ने मेरी साड़ी बांध दी थी, फिर मैंने भी मम्मी की हल्की हल्की पिन विन में हेल्प कर दी थी, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ ली थी। कथा कथा कंप्लीट हो चुकी थी, इस तरह से हमने मंदिर सजाया था, ये मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद 4 बजे की कथा के बाद जाते हैं सूर्य भगवान जी को अर्घ देने, तो वही हम लोग जा रहे थे, करीब 5:30 हो गए थे आई गेस, या 4:45 ऐसे टाइम हो रहा था। तो हम लोग पहुंचे और हमने सूर्य भगवान जी को अर्घ दिया और परिक्रमा ली। सूर्य जी के 7 परिक्रमा होती है, मम्मी ने मुझे ऐसे बताया था, तो उस तरह से हम लोगों ने 7 परिक्रमा ली। और उसके बाद हम लोग आ गए नीचे। बताइए आप क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ दे दिया हमने, हम एक अच्छी सी चाय बनाएंगे, चाय बनाएंगे, चाय पीएंगे, मस्त चाय चाय पीएंगे, पीएंगे, दूध चाय, दूध वाली सफेद चाय पीएंगे, चीनी वाली, हाँ शुगर लो गई होगी, अरे तो चक्कर आ रहे हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने मत्था टेका भगवान जी को, कोई भी भूल चुक हो गई हो वो क्षमा कर दीजिएगा भगवान जी। फिर हमने बनाई अच्छी सी चाय और हम लोगों ने एंजॉय की अपनी चाय। चाय पीने के बाद मम्मी ने और त्रिशिका ने खूब सारी फोटोज क्लिक करी और मैंने भी थोड़ी बहुत फोटोज इसी हाथ ले ली थी। फिर उसके बाद क्या था, मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। हमारा मेन्यू ऑलरेडी डिसाइडेड था, हमने बनाना था आज जीरा राइस सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से चावल को अच्छे से वॉश किया 3-4 बार, साइड में रख दिया, कुकर पे घी डाला, जीरा डाला और चावल डाला और पानी डाल के अच्छे से इसमें लगा दी मैंने पास सीटी, और हमारा जीरा राइस बनके हो गया तैयार। उसके बाद पापा आ गए थे तो मैंने पापा के लिए भी चाय बना दी और थी। साथ में बनना था आज पालक पनीर, तो उसके लिए पालक ऑलरेडी बॉईल कर दिया था, पालक अभी बहुत थोड़ा सा गर्म था तो मैंने सोचा कि चलो उसको ठंडे पानी में डालते हैं और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो फटाफट से पालक को हमने कर लिया ग्राइंड, इतने में आ गई मम्मी। मम्मी ने कहा कि बबली एक तारा निकल गया है जो कि दिख रहा है, उसके बाद पता नहीं दिखे ना दिखे, फटाफट से जाते हैं और पूजा कर लेते हैं। तो ये हमारी है पूजा की थाली जिसमें हमने रखे फूल, सिंघाड़े, केले, पुए स्पेशली बनते हैं और फिर अहोई व्रत, तो वही हमारा बना हुआ था। और हमारे जो करवे होते हैं उसमें पानी होता है, तो वो सब हम लेकर के चले गए ऊपर। और यहाँ मेरे ससुर जी यानी पापा जी बना रहे हैं मेरा अच्छा खासा ब्लॉग, लेकिन उनसे अच्छे से शूट नहीं हो पाया आई गेस, तो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा काम चल गया। यहाँ पे त्रिशिका की हमने पूजा की और उसने मुझे पानी पिला दिया और मेरा फास्ट खोल दिया। और यहाँ पे मैं अपना फुल लुक दिखा रही हूँ आपको, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ही नहीं, मैं भूल गई, तो मैंने यहाँ पे शॉट लिया। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने कपड़े चेंज करे, चेंज करने के बाद खूब सारा पानी पिया और बनाई अपनी कप चाय, और चाय और ये जो है पुए इसको करा मैंने इंजॉय, बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे, डिलीशियस। शाम हो गई, शाम होने के बाद आ गए त्रिशिका के पापा और मम्मी का तारा। तो मम्मी ने अच्छे से थाली सजाई, थाली में सेम सामान था, बस चॉकलेट एडिट थी, मम्मी हमेशा चॉकलेट देती हैं सबको, तो राहुल की पूजा की, त्रिशिका की पूजा की, इन दोनों को चॉकलेट दी, राहुल ने मम्मी को पानी पिलाया, और इसी तरह से यहाँ पे हमारा ये व्रत होने लग रहा है कम्प्लीट। अच्छा, मम्मी ना सबकी पूजा करती है, मतलब सारे ही बच्चों की पूजा करती है, राहुल की पूजा करेंगी सबसे पहले, उसके बाद अब मैं हूँ यहाँ पे तो फिर मेरी पूजा करती है, त्रिशिका की तो साथ में ही होंगी, फिर एंड में मम्मी करती है रोहित की पूजा। तो मतलब अपने चारों बच्चों की पूजा करती करती है मम्मी, सबकी आरती उतारती है, मम्मी ने मेरी भी पूजा पूजा कर दी और मेरे पास आई एंड में बोलने की तूने मुझे रसगुल्ला नहीं खिलाया। ओके, फिर यहाँ आ गया रोहित और मम्मी ने उसकी भी पूजा की है, और इस तरह से अच्छे से हमारा अहोई व्रत बहुत ही ज्यादा अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और पूरा किया। अहोई माता की बहुत अच्छी कृपा है हम पे, तो माँ ऐसी हम पे कृपा बनाए रखना। और हमारे यहाँ पे हो गया डिनर स्टार्ट, जिसमें था पालक पनीर, चावल, आलू की सब्जी, खीर, पूरी और पोहे। और ये हैं कुछ पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की थी, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सुपर सून।